और जब सिंगल इंजन की सरकार आई तो क्या हुआ, उसे 5 साल में झारखंड की जनता ने झेला है। 13 तारीख को आपका एक एक वोट तय करेगा कि झारखंड में गरीबों का घर बनाने वाले लोगों का सरकार बनेगा या गरीबों के घर को लूटने वाले लोगों की सरकार बनेगी, ये आपका एक एक वोट तय करेगा। और मुझे कहा है शिवराज जी और हेमंत जी ने कि सभा करने के बाद मंगल जी बरही और बरकट्टा के लोगों से पूछ लीजिएगा और पूछने के बाद तब मनोज जी और अमित जी को माला पहनाइएगा। मैंने कहा क्या पूछ लेंगे, उन्होंने कहा कि पूछ लीजिएगा कि जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गारंटी और जिम्मेवारी आप लेते हैं, आप यदि लेंगे तो हम दोनों नेताओं को जीत का माला अपने केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पहनाएंगे, लेकिन वो गारंटी आपको लेनी है, वो जिम्मेवारी भी आपको लेनी है। आप लेने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? दोनों हाथ जोर से उठाइए कि बड़ही और बरकट्टा दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो नामांकन हो रहे हैं, इंद्र भगवान ने भी अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को आज बारिश करके दे दिया, बहुत सुनहरा मौसम हो गया। तो ईश्वर की कृपा तो सदैव हम लोग के साथ रहती है, आज विशेष रूप से हम सब लोगों को कृपा मिली। मित्रों 13 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों की पूरी चर्चा मन से हुई। मैं बड़ही और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के भाइयों बहनों सम्मानित मतदाताओं से जरूर कहना चाहता हूं, 13 तारीख को जब आपका बटन दबाने आप जाएंगे वोटिंग मशीन पे, आपके उंगली से दबा हुआ बटन 13 तारीख को इस बात को तय करेगा कि आगामी 5 साल के लिए जो झारखंड की सरकार बनने वाली है वह डबल इंजन की सरकार बनेगी कि सिंगल इंजन की सरकार बनेगी, आपका वोट तय करेगा। बोलिए डबल इंजन का सरकार चाहिए कि सिंगल इंजन का? नेचुरल डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से गाड़ी आगे बढ़ेगा और ये गाड़ी 2014 से 2019 तक बढ़ी थी। झारखंड की जनता ने डबल इंजन सरकार का काम देखा था और उस वक्त में झारखंड प्रदेश भाजपा का प्रभारी होता था। मैंने स्वयं रघुवर दास जी के सरकार के उस कार्यकाल को देखा है कि किस प्रकार से विकास का काम होता था। और जब सिंगल इंजन की सरकार आई तो क्या हुआ, उसे 5 साल में झारखंड की जनता ने झेला है। 13 तारीख को आपका एक एक वोट तय करेगा कि झारखंड में गरीबों का घर बनाने वाले लोगों का सरकार बनेगा या गरीबों के घर को लूटने वाले लोगों की सरकार बनेगी, ये आपका एक एक वोट तय करेगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सड़कें जो घर बनी है, जो घर प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और जो आगे बनने वाला है, हमारी सरकार बनेगी तो और तेज गति से वो गरीबों का घर बनेगा, आपका वोट तय करेगा कि गरीबों के घर को के बनने वाली गति को बढ़ाना है या पीछे ले जाना है। आपका एक एक वोट तय करेगा कि गरीबों को जो अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भेज रहे, राशन भेज रहे, वो राशन बेहतर तरीके से मिलता रहे या उसमें गड़बड़ी हो, आपका एक एक वोट तय करेगा। आपका एक एक वोट तय करेगा, प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया आयुष्मान योजना, आपका एक एक वोट तय करेगा कि आयुष्मान योजना का कार्ड और तेजी से बने, आयुष्मान योजना में और अस्पताल जुड़े और गरीबों को अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों में भी बेहतर सुविधा मिले या जैसा चल रहा है अभी वैसा ही चलता रहे, आपका एक एक वोट तय करने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, मैं नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, आपका एक एक वोट तय करने वाला है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं, यहाँ से पलायन रुकेगा कि नहीं, यहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं, यहाँ नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये आपका एक एक वोट तय करने वाला है। किसी बरगलाने में एक दिन के लिए मत आना मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट कीमती है। भविष्य को सुधारना है, भविष्य को बेहतर बनाना है, रोजगार को यहाँ लाना है, नौकरी पाना है, उद्योग लगवाना है, यहाँ से पलायन रुकवाना है, तो मैं सभी नौजवान भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपना एक एक कीमती वोट नरेंद्र मोदी जी को देने का। आपका एक एक वोट तय करेगा कि आगामी जो सरकार बनेगी
वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली एक ईमानदार विकास करने वाली सरकार बनेगी, या हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, ऐसे भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ वाले लोगों की सरकार बनेगी, वो आपका वोट तय करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, झारखंड के भविष्य के लिए और झारखंड के विकास के लिए हम सब लोग आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करने आए हैं। आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद कैसे मिलेगा, जब मनोज यादव जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, जब अमित यादव जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, और जैसे मनीष जायसवाल जी को आपका पूरा आशीर्वाद जम के मिला था, वैसे ही आशीर्वाद इसमें भी मिलना चाहिए जम के। तो मिलेगा ना जम के आशीर्वाद, पक्का मिलेगा। मुझे पार्टी की तरफ से आज नामांकन में भेजा गया है, और मुझे कहा है शिवराज जी और हेमंत जी ने कि सभा करने के बाद मंगल जी बरही और बरकट्टा के लोगों से पूछ लीजिएगा, और पूछने के बाद तब मनोज जी और अमित जी को माला पहनाइएगा। मैंने कहा क्या पूछ लेंगे, उन्होंने कहा कि पूछ लीजिएगा कि जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गारंटी और जिम्मेवारी आप लेते हैं, आप यदि लेंगे तो हम दोनों नेताओं को जीत का माला अपने केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पहनाएंगे, लेकिन वो गारंटी आपको लेनी है, वो जिम्मेवारी भी आपको लेनी है। आप लेने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? दोनों हाथ जोर से उठाइए और मेरे साथ फिर जोर से नारा लगाइए, फिर मैं माला पहनाऊंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अब आपकी अनुमति से विजयी माला अपने दोनों उम्मीदवारों को पहना रहा हूं। मैं ओपी चौधरी जी और मनीष जायसवाल जी से आग्रह करूंगा, मैं हूं, आप दोनों लोगों को माला पहनाएं। आइए सांसद जी, जिंदाबाद, 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 मनोज यादव जैसा हो, सभा को धन्यवाद, भगवान के श्री करें। विधायक मनोज यादव।